हेलो गाइज, मेरा नाम सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास ओप्पो A57 2022 मॉडल और इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड टिप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा के अराउंड रिंग लाइट इफेक्ट, AOD का फीचर, आइकन कस्टमाइजेशन का फीचर और वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे। अगर ओप्पो A57 2022 मॉडल आप ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा, आपको सभी फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा जो ओप्पो A57 में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाके वैल्यू लगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात किया है तो वो मिलेगा मोबाइल की सेटिंग में, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे मिलेगा सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन और यहाँ पे भी नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा OTG कनेक्शन सभी में होता है, लेकिन इसमें दिखाता हूँ वो किस टाइप का देखने को मिलता है। जी हाँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ फोकस करके। और यहाँ पे देखते कोई भी आप OTG के थ्रू माउस एंड कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं इस फोन के अंदर और माउस एंड कीबोर्ड से अपने फोन का कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। जैसे कि देखते मैं अपने फोन को माउस से चला रहा हूँ, देखते कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है ना, काफी इंटरेस्टिंग। और कीबोर्ड वगैरह भी आप कनेक्ट वगैरह कर सकते हो, वायर वाला है तो वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो OTG के थ्रू। जी हाँ, तो गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, है ना, काफी इंटरेस्टिंग फीचर। और जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है, अपने होम स्क्रीन पे आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आइकन का ऑप्शन। इस आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं, कितना लार्ज करना है, कितना मीडियम करना है वो इस फोन के अंदर देखते हैं आसानी से कर सकते हैं। ऐप नेम को भी लार्ज करना है, मीडियम करना है, अपने हिसाब से ये कस्टमाइज वगैरह आप कर सकते हो। मतलब आइकन को कस्टमाइजेशन का भी फीचर दिया, अगर आपको बोर हो चुकी हो आइकन पैक से तो देखते कुछ इस प्रकार का आपको आइकन पैक देखने को मिलता है। आपको वापस बोर हो चुकी है तो इस प्रकार का राउंडेड आइकन पैक लगा सकते हो और कस्टम भी खुद का क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि इस प्रकार का शेप होना चाहिए, इस प्रकार का शेप होना चाहिए। तो आइकन कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है इतना सस्ता डिवाइस होने की बात। फीचर की बात किया है तो अपने होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन। जी ट्रांजिशन इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से करना और अप्लाई कीजिए तो आपके फोन में ट्रांजिशन इफेक्ट इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग फीचर। और देखते हैं एक फीचर की और बात करूँ तो इस फोन के अंदर आपको ऐप ड्रॉवर भी देखने को मिलता है। तो ऐप ड्रॉवर को डिसेबल करने का भी यहाँ पे फीचर दिया हुआ है ओप्पो वाले ने। तो जैसे कि इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे मिलेगा मोर का ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा होम स्क्रीन मोड का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको स्टैंडर्ड मोड, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड मोड में चला जाएगा और यहाँ पे जो नॉर्मल है ऐप ड्रॉवर आपका डिसेबल हो जाएगा, नॉर्मल मोड में ये आपका फोन एक्टिवेट हो जाएगा। देखते अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे कोई भी ऐप ड्रॉवर मुझे नहीं देखने को मिलता। तो ऐप ड्रॉवर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, डिसेबल करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर आपको यहीं पर देखने को मिलता है, मोर सेक्शन पर जाएंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप देखते हैं एक रो के अंदर 4 एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे 5x5 चाहिए तो एक रो के अंदर 5 भी हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे डबल टैप टू लॉक एंड आइकन पुल डाउन गेस्चर। इन दोनों को ही ऑन कर लेता हूँ और दोनों ही फीचर आपको दिखाता हूँ क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। आइकन पुल डाउन गेस्चर देखते हैं, कॉर्नर्स की ओर से राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप करूंगा तो सारे एप्लीकेशन यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, 100 अपने फोन को यूज वगैरह कर सकते हो। जी हाँ, दूसरे हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, सारे एप्लीकेशन को यहीं से एक्सेस वगैरह कर सकते हो। तो ये देखने को मिलता है आइकन पुल डाउन गेस्चर। और नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है डबल टैप अपने फोन करोगे तो आपका फोन लॉक हो जाता है। तो ये फीचर आप भी आप यूज करना चाहते हो तो बेशक आप कर सकते हो। अगले फीचर की बात किया जाए, मैं स्वाइप करता हूं तो देखते हैं अभी नोटिफिकेशन ड्रॉवर ऊपर होना है ना, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं। ओप्पो ने इसकी कस्टमाइजेशन दी है, आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए, मोर सेक्शन पे जाइए और यहां पे मिलेगा स्वाइप टू डाउन गेस्चर, इस पे ग्लोबल सर्च कर दीजिए। अब यहां से स्वाइप करेंगे तो आपका सर्च बार ओपन होगा, तो जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर भी यहीं पे देखने को मिलता है, मोर सेक्शन पे जाइए, यहां पे मिलेगा आपको नीचे को रेस्ट टू वेक डबल टैप, इसको हम ऑन कर देते हैं। और क्लॉक के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पे, जो भी आपको क्लॉक स्टाइल चाहिए वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब ये फीचर आपको दिखाता हूं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। होम स्क्रीन पे जाता हूं, फोन को मैं लॉक कर लेता हूं और यहाँ पे देखते हैं मैं करूंगा इसको डबल टैप तो ये ऑन भी हो जाएगा और यहाँ से ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट टू वेक वाला फीचर आपको दिखाता हूँ क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ से देखते हैं मैं थोड़ा सा इसको स्वाइप करूंगा और ये देखते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो जैसे थोड़ा सा अपने फोन को शॉक कर देते हैं तो बिना बटन प्रेस किए अपने फोन को मतलब ऑन कर देता है, और लॉक को तो आपको ये अनलॉक करना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहाँ पे देखते हैं रिसेंट पैनल होता है, रिसेंट पैनल पे आप जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने मिलता है। फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हैं ऐप को, जो भी ऐप आपके सपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर में फ्लोटिंग विंडो में सपोर्ट करता है, तो ये देखते कुछ इस प्रकार से मैं इसका यूज वगैरह भी कर सकता हूं और यहां से इसको ड्रैग वगैरह कर सकता हूं, लार्ज वगैरह कर सकता हूं, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और साथ साथ आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी देखने को मिल जाता है, स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कीजिए तो स्प्लिट स्क्रीन में आपका ओपन हो जाएगा, मतलब एक एप्लीकेशन के साथ 2 एप्लीकेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी यूज करना है आप इसके अंदर कर सकते हैं और इसको ड्रैग वगैरह करके ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। फीचर की बात किया तो वो मिलेगा मोबाइल की सेटिंग में, सेटिंग में जाइए और यहां पे मिलेगा आपको अबाउट फोन का ऑप्शन और यहां पे मिलेगा आपको रैम का ऑप्शन। जी हां, इस फोन के अंदर आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, आपने 4GB वाला बाय किया तो यहां पे 4GB
जीबी एक्सटेंड करके आप 8 GB अपने फोन के अंदर कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है कर सकते हैं, जिसके आपके गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहेगा, मल्टीटास्किंग थोड़ी अच्छी होगी। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ मिलेगा सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखते 3 बटन आपको देखने मिलते हैं, तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मिरर कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, बैक बटन देखते हैं इधर हो चुका है, और इसको इधर करना है तो इधर भी कर सकते हैं। और बिना बटन के अपने फोन को यूज करना, मतलब बटन ही नहीं होना चाहिए, देखते बटन भी नहीं देखने मिलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, मैं बैक करना चाहता हूँ तो इस प्रकार से बैक करना पड़ेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। होम स्क्रीन पर जाना है तो इस प्रकार से आपको देखने मिलता है, तो थोड़ा सा लैगीपन इसमें देखने मिलता है, तो फिलहाल के लिए मैं इसका यूज नहीं करता, लेकिन आपको करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एजिबिलिटी का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एजिबिलिटी मेनू का ऑप्शन, इसको अनेबल करके ओके कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको ओके करता हूँ और अलो कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं एक और बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है, और यहाँ से आप क्विक एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मैं गोइट वगैरह पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखते हैं काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन है यहाँ से क्विक एक्सेस कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन ब्राइटनेस, तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है। अगर आपको इसका यूज करना है तो कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ वगैरह कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो मिलेगा असिस्ट बॉल का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको अनेबल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपके फोन में एक बॉल एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे अपने फोन को बैक वगैरह कर सकते हैं इस बटन से, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसमें एक चीज़ और देखने मिलती है, अगर आपको बैक नहीं होना चाहिए तो ये भी अपने चेंज कर सकते हैं, टैप मेनू पे क्लिक कीजिए, अब ये देखते सारे मेनू करेगा, आपसे पूछेगा होम पे जाना है, लॉक करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो इस हिसाब से ये कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे ज़्यादा यूजफुल फीचर नहीं है, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन का फीचर, इस पर अनेबल कर देंगे, अलो कर देंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 3 फिंगर्स स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं इस प्रकार से, स्क्रॉल स्क्रीनशॉट भी लगाना चाहते हैं तो फुल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मतलब 2-2 स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, लार्ज स्क्रीन भी एक ही स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हैं, जी हाँ। तो ये चीज़ आपको टॉप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखते काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इसको और ऑन कर देता हूँ, और इसको भी हम ऑन कर देते हैं, तो इस प्रकार से बता रहा है। अब देखते हैं मैं वी टाइप करूँगा तो देखते क्या होएगा, यहाँ पे देखते मैं वी टाइप कर देता हूँ, तो वी मैंने ऑन किया तो ये देखते डायरेक्ट टॉर्च ओपन हो चुका है। तो जो भी आप सेट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप सेट करना है, व्हाट्सअप सेट वगैरह करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गेस्चर, जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो मिलेगा डिजिटल वेलबिंग ऑप्शन, डिजिटल वेलबिंग ऑप्शन सभी में होता है, लेकिन आपको दिखाता हूँ फोकस मोड का एक फीचर देखने को मिलता है, इसको हम कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं, और मान लीजिए मैं जो किसी भी ऐप पर, मान लीजिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पर फोकस मोड लगाना है, टर्न ऑन नाउ कर देता हूँ, अभी दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। अब देखते हैं यहाँ पर मैं BGMI पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इसका आइकन देखते हैं, बिल्कुल मतलब फीका पड़ चुका है, और इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ओपन नहीं होगा, जितने मिनट के लिए आपने फोकस मोड लगाया फोकस मोड ऑन हो जाएगा, मतलब आप किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हो तो फोकस कर सकते हो, जैसे कि आप बार बार ही ओपन करने की आप कहते हैं, इस पर फोकस मोड लगा दीजिए तो उसको उतने मिनट के लिए आप ओपन वगैरह नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो मिलेगा आपको स्पेशल फीचर के अंदर, यहाँ पर मैंने बताया ना स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आपको देखने को मिलता है, यहाँ से नीचे की ओर से स्वाइप 3 फिंगर से करेंगे तो ये भी आप स्प्लिट स्क्रीन में इसको यूज वगैरह कर पाओगे, ये गेस्चर के थ्रू है, बाकी रिसेंट टाइम में से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ की बात किया तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो मैंने बताया आपको, यहाँ पर रिसेंट पैनल में जाके आप फ्लोटिंग विंडो का आप यूज कर सकते हो, तो कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, तो जो भी आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो मिलेगा आपको स्मार्ट स्लाइड बार का ऑप्शन, ये काफी अच्छा ऑप्शन है, इसको अनेबल कर दीजिए, जैसे कि मैं इसे अनेबल किया, एग्री किया, और ये देखते हैं आपके फोन में एक्टिवेट हो चुका। अब होम स्क्रीन पे जाइए, अब देखते हैं राइट साइड में एक शॉर्टकट मेरा एक्टिवेट हो चुका है, आप यूज करेंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ पे देखते काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं जिन्हें आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, जैसे क्रोम ब्राउजर देखने को मिलता है, तो ये फ्लोटिंग विंडो में आपकी ओपन होएगी, ठीक है। जो भी आपके रेगुलर एप्लीकेशन ज़्यादा यूज होती है उसको आप कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको एग्जिट वगैरह कर लेता हूँ। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है यहाँ पे नीचे की साइड सिंपल मोड का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं एंटर द सिंपल मोड, अब ये एंटर होने लग चुका है, मतलब आप फोन चलाने में बिगनर हो, पहली बार फोन पे स्विच हुए, मतलब बटन से अपने स्मार्टफोन पे स्विच हुए, सिंपल चलाना चाहते हो, आपको फोन ज़्यादा यूज नहीं करना चाहते तो इस सिंपल मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे फीचर रिमूव हो जाएंगे और ईजी टू यूज हो जाएगा आपका फोन, और आसानी से अपने फोन को यूज वगैरह कर सकते हो, तो ये आपको देखने मिलता है सिंपल मोड वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ऐप्स के अंदर, ऐप्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ऐप क्लोन का ऑप्शन देखने मिलता है, अपने फोन के अंदर ड्यूल व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं तो ड्यूल फेसबुक यूज करना चाहते हैं तो इस फोन के अंदर आप आसानी से कर सकते हो, और बाय मिस्टेक आपसे आई एप्लीकेशन बाय मिस्टेक अनइंस्टॉल हो जाती है तो यहाँ से इसको रिकवर भी कर सकते हो, जो कि बाकी फोनों में नहीं पाया जाता, ओप्पो वीवो वाले फोनों में ही पाया जाता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है बैटरी के अंदर, बैटरी सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा सुपर पावर सेविंग मोड, जब आपके फोन की बैटरी लो जाए ना तो सुपर पावर सेविंग मोड को ऑन कर लो, जिससे 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा अपने
अपने फोन को यूज वगैरह कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखने मिलता है एडवांस सेटिंग का ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा हाई परफॉर्मेंस मोड का। अब ये हाई परफॉर्मेंस मोड क्या है, जैसे कि इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। जो इसको यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, जैसे यूज करना चाहते तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन। प्राइवेसी के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं अपने फोन के अंदर ऐप लॉक का फीचर भी आपको देखने मिलता है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी ऐप लॉक लगाने के लिए, आपको इसमें प्री ऐप लॉक फीचर देखने को मिलता है, इसका यूज करना है तो कर सकते हैं। और यहाँ पे हाइड ऐप का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, जी हाँ, किसी भी ऐप को हाइड करना है तो कर सकते हो। जैसे कि अमेजोन को हाइड करना है तो हाइड कीजिए। यहाँ पे आपको लगाना है पासवर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट किया, तो यहाँ पे आप जो भी लिख लीजिए, जैसे कि क्या हो क्या हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है पासवर्ड लगाने के लिए, यहाँ पे हैज लगाना है शुरू में और बीच में आपको चार अंक के पासवर्ड, और यहाँ पे हैज लगाना है शुरू में भी हैज और लास्ट में भी हैज, तो आपके फोन में ये हिडन ऐप हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ हिडन ऐप कैसे काम करता है। जैसे कि आपको डायलर में जाना पड़ेगा हाइड करने के लिए, और जो पासवर्ड आपने लगाया है यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा और हाइड ऐप आपकी अनलॉक हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का ये फीचर देखने को मिलता है, यूज करना है तो कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है इसके लिए भी। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो आपने देखने मिलता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेटस बार का ऑप्शन, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं ब्लूटूथ को आपको हाइड करना है, एचडी वॉइस वोल्टी रिंग ईयरफोन जो भी इसके ईयरफोन आपने लगा रखा होगा तो यहाँ से हाइड हो जाएगी, आपको शो नहीं करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार का फीचर देखने मिलता है, यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज का स्टाइल आपको किस टाइप में चाहिए ये भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं बैटरी स्टाइल का कुछ इस टाइप में आइकन वगैरह देखते हैं किस प्रकार से आपको रहना चाहिए, ये भी अपने फोन के अंदर चेंज वगैरह कर सकते हो, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। और जब भी कोई नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पे किस प्रकार से शो करना चाहिए, कलरफुल में, नंबरिंग में, ये शो ही नहीं करना चाहिए, तो वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। यूज करना है तो बेशक ये कर सकते हो, काफी अच्छे फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मिलेगा आपको बबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो बबल में आपको देखने को मिलेगी, एक बबल बन जाएगा। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको ऑन करके रखिए। आपने कोई भी नोटिफिकेशन आए ना स्वाइप वगैरह कर दी, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन स्वाइप नहीं हो रही, बाय मिस्टेक हो जाती है ना, इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है स्वाइप हो जाती है, लेकिन उसे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप चेक वगैरह कर सकते हैं। फीचर की बात के लिए वो तो मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर, इसमें आप जाएंगे तो अपने फोन के अंदर डार्क मोड को भी ऑन कर सकते हैं। कोई भी ये देखते हैं एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी, यहाँ पे डार्क मोड किस हिसाब से रहना चाहिए, कम डार्क होना चाहिए, ज्यादा डार्क होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जो भी आप रखना चाहते हैं। मेरे को डीप ब्लैक वाला काफी अच्छा लगता है, ये वाला यूज कर सकते हो। और आइकन को डार्क करना है या वॉलपेपर को डार्क करना है ये भी कस्टमाइजेशन देखने मिलता है। टाइमिंग भी सेट कर सकते हो कितने बजे तक डार्क मोड ऑन होना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आपको आई मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आपकी आंखों में पानी आता है या आंखों पर कम असर पड़े फोन का, तो आई मोड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखते हैं फुल स्क्रीन जो भी एप्लीकेशन होती है तो ये कुछ आपको देखने मिलते हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट ये आपके फोन में अप्लाई हो जाता है, कोई कोई एप्लीकेशन होता है जिसमें सपोर्ट वगैरह नहीं करता। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर, इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका लेआउट देखते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें कस्टमाइजेशन देखते हो कितने कितने अच्छे देखने मिलते हैं। सबसे पहले क्विक सेटिंग, यहाँ पे देखते हैं जो आपके सेटिंग है ना इसके भी आपको देखते हैं लेआउट चेंज करना है, इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से लेआउट हो चुका है, बोर हो चुके हो वापस से चेंज करो यार। देखते हैं कुछ काफ़ी अच्छा फीचर देखने मिलता है यार। जो नोटिफिकेशन ड्रो होना है उसका ही लेआउट चेंज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो कलर का ऑप्शन देखने मिलता है, इस पर आप जाइए और यहाँ पे देखते हैं कलर आपको किस टाइप में चाहिए। मुझे तो डिफॉल्ट वाला काफ़ी अच्छा लगता है, सारी चीज़ें कलरफुल देखने मिलती है, बाकी आपको जो भी सेटिंग का जो भी कलर करना है तो उस हिसाब से कलर वगैरह इसके चेंज वगैरह हो जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं आपको जो वॉलपेपर का कलर है उस हिसाब से इसको करना है तो वो भी अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। वॉलपेपर के हिसाब से आपका चेंज होगा और कस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो भी आपको कलर रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। फीचर की बात किया तो अपने फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एक्टिवेट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसकी मदद से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च करेंगे AOA, आपको सर्च करना है, यहाँ पे सर्च कीजिए AOA और यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। आपको ये वाली अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेनी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, डाउनलोड करके इसको अपने फोन के अंदर ओपन वगैरह कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको स्टिकर सेलेक्ट करना पड़ता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा स्टिकर आपको चाहिए, ठीक है, जिस पे आपको प्रीमियम लिखा है उस पे आपको एड वगैरह देखनी पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, ठीक है, तो जो भी आपको स्टिकर पसंद आता है तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और यहाँ पे वॉच फेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी आपको वॉच फेस पसंद आ रहा है, जैसे जो भी आपको स्टाइल पसंद आता है वॉच का वो आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं तो वो भी अपने फोन के अंदर इसे लगा सकते हैं। और यहाँ पे फोन स्टाइल मैंने बोल्ड रखा हुआ तो आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। डेट स्टाइल भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एज लाइटिंग का फीचर भी आपको देखने मिलेगा, आपको एज एनिमेशन का ऑप्शन, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस प्रकार से एनिमेट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपको रखना है रख सकते हैं, इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से रखना है, ये आपको इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से रखना है। मैंने सारा कुछ सेट करके आपको दिखाता हूँ जब ये हो जाता है तो किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है।
तो देखते कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्लस एज लाइटिंग। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टैग करेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।